नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए, कब हमें कॉल बाइंग करना चाहिए, कब हमें पुट बाइंग करना चाहिए, सारी चीज़ें हम प्लान करके बैठेंगे। अगर मार्केट उस हिसाब से हमें मिलता है, उस डायरेक्शन में हमें मिलता है, तो हम यहाँ पर कॉल या पुट कब लेना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप पे पैसा नहीं बना के जा पाओगे। तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप मार्केट से पैसा बना के नहीं जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो सोचिए कि हमने फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग की है 35,047 के आसपास। हमने फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लोज किया, यानी 35,000 के ऊपर हम क्लोज करने में कामयाब रहे बैंक निफ्टी को। अब देखिए जरा यहाँ पे लगभग 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। मैं बार बार एक चीज़ आप लोग को समझाता हूँ। देखिए मार्केट अगर 200 दिन ट्रेड होता है ना, तो यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट सिर्फ 30 से 40 दिन ही मिलते हैं। 30 से 40 दिन ही बड़ा प्रॉफिट मिलता है, बाकी दिन आपको वहाँ पे ट्रेडिंग करते रहनी पड़ती है। क्योंकि ये 30 से 40 दिन कौन से होंगे ये हमें क्लियर कट पता नहीं रहता है, लेकिन आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये 30-40 दिन भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। उस 30-40 दिनों में से ये 1-2 दिन आपके पास बड़ा मिलेगा। कब? जब हम इस लेवल के ऊपर या नीचे कहीं पर क्लोज करने पर कामयाब होते हैं और उसके बाद उसी डायरेक्शन में हम अगले दिन ट्रेड करते हैं। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 36,000 के ऊपर क्लोज करता है और अगले दिन उसी डायरेक्शन में ऊपर की साइड में निकलता है, तो यहाँ पे आपको बड़ा पैसा बनते हुए दिखेगा। क्योंकि फिर जब कैंडले बनेंगी तो वो कैंडले छोटी छोटी नहीं बनेंगी, वो कैंडले आपको इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडले बनती हुई दिखेंगी। मार्केट जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसके बाद कंटिन्यू 1 से 2 दिन आपको बड़ी बड़ी कैंडले बनती ही दिखेंगी। मान लीजिए मार्केट इस डायरेक्शन में नीचे की साइड में ब्रेक करता है, यानी 34,900 के नीचे क्लोज करता है और अगले दिन उसी लेवल के, यानी जो भी 34,900 का जिस दिन क्लोज किया उस दिन उसने एक लो लगाया होगा, मान लीजिए 34,800 का लगाया, 34,700 का लगाया, अगर उसी के नीचे कंटिन्यू ये क्लोज करना स्टार्ट करता है, तब हमारे पास यहाँ पे 1-2 दिन आपको बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई दिखेंगी, रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनती हुई दिखेंगी। लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर में है तब तक हमें बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, आपको छोटी क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के लिए आपको वो जगह नहीं है, वो मूव नहीं मिलेगा आपको जो चाहिए। यहाँ पे मूव कब मिलेगा? जब हम 36,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे या फिर 34,900 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करें और फिर अगले दिन उसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तभी हमें यहां पे एक मोमेंटम मिलेगा, जो कि 1 से 2 दिन आपको बड़ी बड़ी कैंडले, यहां पे शायद 500-700 पॉइंट की बड़ी बड़ी कैंडले बनती हुई दिखेंगी बैंक निफ्टी की। जब तक इस रेंज में है तब तक आप पोजिशनल ट्रेडिंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पोजिशन ट्रेड हम तभी लेंगे जब ये 3600 के ऊपर क्लोज करेगा या फिर 34,900 के नीचे क्लोज करे और अगले दिन उसी के नीचे ट्रेड करेगा, तभी हम यहां पे ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया हमारा डेली एनालिसिस। जब तक हम इस रेंज के अंदर में है, क्वांटिटी आप छोटी क्वांटिटी के साथ में यहां पे प्लान कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये पिछला देखिए, पिछला जब हमने हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई लगाया था, तो इसी तरह से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। इसी तरह से ट्रेड करने के बाद हम यहाँ पे नीचे की साइड में हमने ब्रेक डाउन दिया था। अब हम इसी जगह पे कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, नीचे की तरफ आए 34,900 के आसपास, फिर से 1-2 दिन का हमने यहाँ पे पुल बैक लिया। अब देखते हैं हमें क्या है? पहले हमें ये मिलता है या पहले ये मिलता है? अगर मान लीजिए पहले हमें ये मिलता है, यानी 34,900 के नीचे हम पहले क्लोज करते हैं, तब हमारा टारगेट यहाँ पे, टारगेट जो ओपन हो जाएगा वो 34,000 तक का टारगेट हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में। अगर हम 34,900 के नीचे, ध्यान से सुनिए, 34,900 के नीचे क्लोज करते हैं और अगले दिन इसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें ये पॉसिबल टारगेट है जो कि 34,000 के पास तक लेके आएगा हमें बैंक निफ्टी में। तो अब यहां पे देखने का डिसीजन ये लेना है हमें कि हमें वेट करना है कि इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोज करे। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, देखिए इंतजार करने का मार्केट पैसा देता है। अगर आप इंतजार नहीं करते हैं, हर कैंडल पे हर मिनट आप ट्रेड करते हैं, तो मार्केट यहां पे पैसा नहीं देगा। अपने डायरेक्शन, अपने प्लान के हिसाब से अगर मार्केट चलता है तभी आप यहां पे ट्रेड करेंगे, तो मार्केट आपको पैसा दे के जाएगा। आप कहीं आ रहे टेढ़े ट्रेड, हर दिन में 20 ट्रेड लेंगे तो यहां पे पैसा नहीं बनेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमें 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करके देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, हमें ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, ये आपको ध्यान से यहां पे सुनना है। देखिए मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं। देखिए हमने ऊपर ओपन तो किया लेकिन इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ पे देखिए हमने एक रेंज बनाई और इस रेंज के नीचे हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया और वापस हम आ गए 34,900 के आसपास में, लेकिन क्लोजिंग करने के दौरान में वापस हम 35,000 के आसपास जाके क्लोज किए। यानी यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन एक बार देखें, नीचे फिर ये ऊपर की तरफ आया,
फिर हम ऊपर निकले, फिर हम नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ निकले, हमने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। अगर 50 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमने पिछले लो को अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। अब सबसे अच्छी बात ये तब होगी ना जब मार्केट इसी जगह पे फ्लैट ओपन हो जाए। मान लीजिए मार्केट इसी जगह पे ओपन होता है, शायद अब इस रेंज के अंदर में, मान के चलिए कि इस रेंज के अंदर में हम ओपन हो, ओपन कहाँ पे हों, 34,900 से लेकर के यहाँ पे 35,100 के बीच में हम ओपन होते हैं, इसी जगह पे ओपन होते हैं, एक आध पाँच मिनट की कैंडल इसी के अंदर में बनने देते हैं और उसके बाद जैसे ये 35,120 को निकालता है, 35,120 को ये अगर निकालता है तो हमारे पास एक पॉसिबल टारगेट जो होगा वो होगा हमारे पास 35,300 का, यानी जो लास्ट डे का हाई था वो हमारा एक पॉसिबल टारगेट यहाँ पे बन जाएगा। कब? जब हम फ्लैट ओपन होते हैं और 5 मिनट की कैंडल इसी के अंदर में कहीं पे एक क्लोज करने के बाद में हम 35,120 के लेवल को क्रॉस करते हैं। देखिए अगर नहीं करता है तो शांति से बैठे रहेंगे, कुछ लेके तो नहीं गया, कुछ देके हमें तब जाएगा जब हम प्लान करेंगे। प्लान हमने क्या किया है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो। देखिए ये हमारे अंडर में नहीं है कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, 200 पॉइंट गैप अप होगा ओपन होगा या 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम तीनों चीज़ों पे बैठे रहते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये है कि मार्केट गैप डाउन ना ओपन हो के फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो इसी रेंज के बीच में 34,900 से 35,100 के बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद में 35,120 के लेवल को क्रॉस करे। कब? जब कम से कम 5 मिनट इसी के दायरे के अंदर में रहने के बाद क्रॉस करे। ऐसा नहीं कि आप पहले मिनट में 35,120 क्रॉस करा तो आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, अवॉइड करेंगे बाइंग तब। जब ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बना लेगा उसके बाद क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और उस समय हम प्लान करेंगे कि हम यहाँ पे 35,200 की कॉल ले लें। कौन सी कॉल हमें लेनी है? 35,200 की ही कॉल लेनी है, क्योंकि जीरोधा जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा दूर की बाइंग नहीं दे रहा ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग के लिए आ गए हैं इसलिए जो गैप है वो बहुत कम हो गया, 200-300 पॉइंट का कॉल या पुट हमें जीरोधा में मिलता है तो ठीक भी है एक तरह से, वहाँ पे ठीक ठाक वहाँ पे मूवमेंट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम 35,200 की कॉल को प्लान करेंगे। अगर 35,200 आप नहीं ले सकते तो 35,300 लीजिएगा, इससे ज़्यादा ऊपर की कॉल को मत लीजिएगा, 35,200 सबसे अच्छा होगा। अगर हम 35,120 को क्रॉस करते हैं तो हम 35,200 की कॉल ले, प्रीमियम थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन हमें एक मोमेंटम वहां पे मिल जाएगा। हमारा जो प्लान टारगेट रहेगा वो यहां पे रहेगा 300 के आसपास का, यानी 280 से 300 के बीच में हमारा टारगेट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 120 के बाद में अगर हम 250 तक चले जाएं फिर भी आप प्रॉफिट बुक मत कीजिए। देखिए प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें एक डिसीजन वहां पे लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस इसीलिए मैटर करता है। आप धीरे धीरे जब मार्केट को समझना स्टार्ट करेंगे तो सारी सिचुएशन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम 35,200 की कॉल लेंगे, टारगेट हम पकड़ के चलेंगे 35,280 से 300 का पहला टारगेट। अगर हम 320 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो फिर हमारा टारगेट जो जाएगा वो लगेगा 400 से लेकर 480 के बीच में हमारा टारगेट रहेगा, मतलब 35,400 से लेकर 35,480 के बीच में हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये सिचुएशन कब है? जब हम इसी जगह पे फ्लैट ओपन होते हैं। अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम फ्लैट ओपन होंगे या फिर ऊपर होंगे। अब मान लीजिए हम गैप अप ओपन हो गए, ठीक है, हम क्या ओपन हो गए, हम गैप अप ओपन हो गए। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लोज किया है 35,000 पे, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो गए, हम 200 के आसपास यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हम वेट करेंगे, जब 200 के पास हम गैप अप ओपन हो जाएंगे तब हम यहाँ पे वेट करेंगे रेंज बनने का। ये रेंज दिख रही है आपको, इस तरह की रेंज बनने का हम वेट करेंगे कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मार्केट एक रेंज बनाए। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में अगर वो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। मान लीजिए हम ओपन होते हैं 35,200 के आसपास में, 35,200 के आसपास में हम यहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन हो जाते हैं, 35,200 से 35,300, 35,150 से 35,300, ये कोई भी एक रेंज बन जाती है, 100-150 पॉइंट की एक रेंज बनेगी। उस 15-20 मिनट के अंदर में जो 100-150 पॉइंट की रेंज बनी है उस रेंज के अपर एंड पे अगर मार्केट क्लोज करता है, ट्रेड करता है, तब हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, और लोअर एंड पे मार्केट ट्रेड करने लगेगा तब हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। ध्यान रखना है ये रेंज बनेगी तब। अगर वन वे हम निकल के 400-500 पॉइंट चले गए तो फिर प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 119,000 मेंबर वहां पे जुड़े हुए हैं, तो वहां पे कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट प्राइस, इंपॉर्टेंट जो लेवल होंगे वो वहां पे मैं अपडेट करूंगा अगर ये गैप अप ओपन होते हैं तब। सबसे सिनारियो, एक सिनारियो हमें देखने को ये मिलेगा कि हम गैप डाउन ओपन होते हैं। ध्यान रखिएगा गैप डाउन हमारे लिए एक ये सपोर्ट का काम करेगा, जो लास्ट हमने जो सपोर्ट बनाया था 34,700, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 200-250 पॉइंट, मान लीजिए 34,700-34,800 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। अगर मान लीजिए 34,900 से 34,800 के बीच में हम ओपन होते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। कब? नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तब। नीचे की साइड में हमारे पास एक सपोर्ट है 34,700 का, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा
कि बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करता है। यहाँ पे अगर आधे एक घंटे 34,700 या 34,750 के बीच में कंटिन्यू ये ट्रेड करते रहता है, मतलब 35,000 के नीचे ये कंटिन्यू ट्रेड करते रहता है और उसके बाद 34,700 के लेवल को कंटिन्यू ये ब्रेक करता है। ध्यान दीजिएगा, 34,700 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अगर एक मिनट की एक कैंडल भी 34,700 के नीचे क्लोज करती है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 34,750 का रखना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम जो फास्ट मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। पिछले 2-3 दिन का जो भी एसएल होगा, लोगों ने जिनकी पोजीशन बाइंग में बनी होगी उनका एसएल यहीं पे कटेगा। 34,700 का उन्होंने एसएल लगा के रखा होगा, जो स्विंग लो होगा वही उनका एसएल होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पे हम तभी ट्रेड ले सकते हैं जब यहाँ पे कम से कम आधे एक घंटे मार्केट टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की साइड में क्रॉस ना करके नीचे की साइड में क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पे एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर भी आप नज़र बना के रखिएगा, फिर 700 के नीचे हम 34,520 के पास तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम 34,900 से 35,000 के बीच में कंटिन्यू सस्टेन करते हैं और वापस ऊपर की साइड में जाके 35,120 क्रॉस करते हैं तो भी हमें वो मोमेंटम मिलेगा जो मैंने बताया था कि यहाँ पे 35,300 के पास तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर 34,900 से 35,000 के बीच में भी रेंज बनाता है और वापस यहाँ पे क्रॉस करता है 120 को, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वन वे अगर कहीं पर भी मूवमेंट मिल गई, मान लीजिए यहाँ से आया और यहाँ से वन वे 900 के पास से वन वे जाके 120 क्रॉस कर रहा, तो यहाँ पे हमें कॉल या पुट कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा, 35,120 के लेवल को ब्रेक करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इसी रेंज के बीच में ओपन है, 5 मिनट की एक कैंडल बन जाती है, हम बाइंग कर लेंगे। लेकिन हम 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे से इस लेवल के पास में आते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा कि 35,100 के पास में वो सस्टेन करे और उसके बाद उस लेवल को क्रॉस करेगा, तब हम यहाँ पे कॉल अपनी ले सकते हैं। 35,200 वाली या 35,100 वाली कॉल को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ध्यान ये देना है कि प्लान करके ट्रेड करना है, जबरदस्ती हर कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड आप लोग मत कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन के कुछ रिसर्च पोस्ट करते रहता हूं, या अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन की फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप एक्टिव होकर वहां पर ट्रेड करते हैं तो। उसके साथ ही आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। तो नजर बना के रखिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि फ्लैट ओपन हो तो वो ज्यादा बेहतरीन है। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो यहां पर आप नजर बना के रखिएगा 34,700 वाले लेवल पे, यहाँ पे इंतजार कीजिएगा। देखिए पैसा मार्केट इंतजार का देता है, अगर आप इंतजार नहीं करते हैं तो मार्केट आपका पैसा नहीं देगा, तो यहाँ पे वेट कीजिएगा। जैसे कुछ सिचुएशन बनेगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को जरूर अपडेट करके बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।